हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नवान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज एक्सप्रेस। रेस्टोरेंट से हर एक हैदराबादी के घर को उसके जायके का खाना जो पहुंचाते हैं, उनके रोजगार का मामला था और उनकी आमदनियों में कंपनी के जानिब से कई कटौतियां की गई। जो स्विगी का एक बंदा जो महीने में 15 से 20 हजार रुपये कमाता था, नई पॉलिसी के बुनियाद पे वो महीने में सिर्फ 2 से 3 हजार रुपये कमाएगा। इसके एहतजाज में जो स्विगी के तमाम जो डिलीवरी बॉयज थे, उन्होंने आज स्ट्राइक कॉल की थी ताकि वो एक जमहूरियत में अपने डिमांड्स कंपनी के सामने रख सके, मगर कंपनी वालों ने उनके खिलाफ केसेस बुक कराकर उनके पार्टनर्स जो दूसरे जो डिलीवरी के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके थ्रू इनके ऊपर केसेस बुक कराने की कोशिश की गई और दबाव बनाया गया। हमारी ये गुजारिश थी आज यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट में से, जिन्होंने उन्हें ऑनर की, जो बच्चे जो जमहूरियत में जो स्ट्राइक कर रहे हैं उनको इजाजत दी जाए और उनको गैर जरूरी हरासा ना किया जाए इनके फॉल्स कंप्लेनों पे। और आपके जरिए से मैं कंपनी जो स्विगी है उनके जिम्मेदारों को ही बोलना चाह रहा हूँ कि आप बेशक आप तरक्की करें, आपको शहर हैदराबाद से आपकी आपको कमाई है, मगर आपकी कमाई को बढ़ाने के लिए आप हजारों की तादाद में जो बच्चे आपके लिए काम करते हैं उनके रोजगार से आप नहीं खेल सकते। उनके डिमांड्स को आपको मानना होगा, उनके डिमांड्स को आपको सुनना होगा और उनका रोजगार सही तरीके से, उन्होंने जिस तरीके से कमिटमेंट से आपके कंपनी में काम करते हैं, वो कमिटमेंट से आपको उनको रोजगार देना होगा और उनका मेहनताना देना होगा। उनके जगह पे कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों को लाते हुए उनके पेट पे लात आप मार नहीं सकते। और ये लोग एहतजाज करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, बराबर इनका जमहूरी हक है, और खुदा ना खास्ता इन पे कोई आफत आती है तो सदर मजलिस के हुक्म पे इंशाल्लाह मैं हर मोड़ पे तमाम जमात इनके साथ ठहरेगी और इनको पुरजोर इनको ताउन करेगी। आज जो बंजारा इसमें कंप्लेंट हुई, ये कंप्लेंट की वजह क्या है और कंप्लेनर का नाम क्या है, कंप्लेनर कौन है? कंप्लेनर कोई नहीं है, ये जो स्विगी है और उनके जो पेरेंट उनके जो पार्टनर्स है, डिलीवरी पार्टनर्स जो नए हुए जिनकी वजह से अपने करीबन अपने हैदराबाद के 50,000 लोगों के पेट पे लात पड़ रही है, उन लोगों ने एक फॉल्स कंप्लेन 100 पे की और जब कंप्लेन देने का टाइम आया वो पीएस को भी नहीं आए। ये करीबन 50,000 बच्चे हैं जो अपनी रोजगार के लिए लड़ रहे हैं और कोई भी कंपनी आकर यहां पर अपने बच्चों को इस्तेमाल कर उनके पेट पे लात नहीं मार सकती, उनको बराबर उनका हक देना पड़ेगा। मैं रेस्टोरेंट से भी गुजारिश करता हूं कि ये पूरे जो बच्चे हैं स्विगी के, ये पूरे हैदराबाद के गरीब घराने के लड़के हैं जो मेहनत कर अपना घर चला रहे हैं, आपका ताउन इनके साथ होना चाहिए। स्विगी को थोड़े दिन के लिए रोकिए, इनका साथ दीजिए ताकि ये अपने डिमांड्स जो है जमहूरी अंदाज में अपने कंपनी के सामने रख सके और अपने रोजगार को और अपने घर को बचा सके। अब बच्चों को क्या उस पर छोड़े, यहाँ पे दो बच्चों को जो अरेस्ट करके लाए, कोई कंप्लेन नहीं थी, सिर्फ एक फॉल्स कंप्लेन की बुनियाद पर उनको पकड़ा गया था। हम यहाँ पे आए, बात की और उनको हम छुड़ा कर लेके जा रहे हैं। जो फॉल्स कंप्लेन करे उस पर आपकी तरफ बराबर उसके ऊपर हम एक रिटर्न कंप्लेन दिए हैं और इंशाल्लाह ताला उस पर कार्रवाई भी होगी। शुक्रिया। एलपीएस में एक कंप्लेन आई थी कि हम लोग के खिलाफ हम लोग फोन छीन ले रहे हैं, गाड़ी छीन ले रहे हैं बोलकर, उस मुद्दे पे आकर हम लोग को पकड़ लिया गया है। यहाँ पीएस को लेकर आए तो वो जो बंदा अगेंस्ट में कंप्लेन करा वो बंदा अवेलेबल यहाँ पर आया नहीं, आकर रिटर्न में भी कंप्लेन नहीं दिया। हम लोग स्विगी की तरफ से स्ट्राइक कर रहे हैं, हम लोग को जो पे आउट की तरफ से जो बेस कम मिल रहा है हम लोग उसके देखते भाई। अरे भाई फ्रेंडली बोले जो मारा उसको अब जाके कोविड का टेस्ट कराएंगे, अगर उसको कोरोना है और इन लोगों को भी अगर कोरोना लग गया तो पुलिस डिपार्टमेंट रुका रहे इन लोगों का खर्चा। जो मारा उन्हें अगर उसने कोरोना कोविड पॉजिटिव रहा तो उन्हें हाथ कैसे लगा सोशल डिस्टेंसिंग में टाइम आप
कोविड पॉजिटिव ये दो बच्चे हैं बिना 50,000 एम्प्लॉई से छुट्टी के बिना स्ट्राइक पे है स्ट्राइक पे है तो इनकी कंपनी इनके ऊपर प्रेशर डाल के अरेस्ट करी इसलिए इनके ऊपर कंप्लेन कराई आपका ये बंदा उनको मारा मेरे को नहीं मालूम इन्हें कोविड पॉजिटिव है या नेगेटिव है इन्हें अगर इन्हें कोविड पॉजिटिव है और नहीं बात सुनो सर आपकी रेस्पेक्ट करूँ मैं एक बात बोला अगर इन्हों कोविड पॉजिटिव है और इन्होंने इनको मारे अगर इन्हों ने कोविड पॉजिटिव रहते कौन ब्लेम लेगा पुलिस डिपार्टमेंट ब्लेम लेगा क्या बोलो सोशल डिस्टेंसिंग में गाड़ी में भी दूर बिठा के आना है अब उन्हें मार लेते लेके आया अब उन्हें कोविड पॉजिटिव निकल गया क्या करते कल उसका टेस्ट कराना सर कल 100% टेस्ट कराना अगर उन्हें पॉजिटिव आया तो इन सुरक्षित कर रहा है अगर उन्हें पॉजिटिव आ गया तो इन पूरा घर परेशान है मारते कैसे हो गया ठीक है सर मैं भी आपसे बहस कर रहा हूँ आप मारे गए सर क्या मेरे भाई मारे गए को आप बोलना अपने पेट के वास्ते लड़ रहे हो ना उनकी तनख्वाह उनको जो 10,000 रुपए महीने को मिलता था 2,000 में था उनका घर नहीं चल रहा करने का स्ट्राइक है सर स्ट्राइक है तो ऐसे कंप्लेन बताओ कंप्लेन बताओ एक्सट्रॉशन आप नेगेटिव कब कराए थे आप लास्ट टाइम प्रोटेस्ट आपको 11 दिन फिर से कराना कल कराना कई तो आप बच्चों को मारे उन्ना अगर हुए तो दूसरों को लगता ना आपकी वजह से आप स्प्रेडर हो जाते आप स्प्रेडर हो जाते आप सोशल डिस्टेंसिंग पूरा पुलिस डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंचे।